तो हमारे पास एक ईमेल आईडी है और मुझे इसको सेपरेट करने, क्योंकि अभी ऊपर जो हमने बताया लेफ्ट राइट मिड का फॉर्मूला, वो तो नंबर ऑफ करेक्टर के हिसाब से अलग रहता है। बट मान लीजिए मुझे क्या करना है कि मुझे साइट, इसमें से साइट को अलग करना है और इसमें से मुझे नहीं, इसमें आईडी होगा, हाँ आईडी को अलग करना है और यहाँ से साइट को अलग करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट का फॉर्मूला है जो कि हम लगाएंगे और यहाँ से 5 लीटर अलग कर देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे 5 लीटर मैनुअल नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ईमेल आईडीज हैं जिसके अलग अलग साइज हैं, अलग अलग करेक्टर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेट हो कि वो एट द रेट से पहले वाले को आईडी ले ले, एट द रेट के बाद वाले को साइट iptindia.com जो है वो ले ले। तो हमारे पास एक फाइंड और एक सर्च, दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों फॉर्मूले एक जैसे लगते हैं, एक जैसा चीज़ रिटर्न करता है, बस डिफरेंस ये होता है कि आपका एक केस सेंसिटिव होता है, दूसरा केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो फाइंड का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया, फाइंड के फॉर्मूले में हमने दिया कि मुझे एट द रेट को चूज करना है और यहाँ विद इन टैक्स को सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे 1 स्टार्ट नंबर कर दिए। तो हमने बोला कि एट द रेट जाओ, इसमें B22 के अंदर एट द रेट को सर्च करो। तो सर्च करने के बाद ये 6 दिया। अब 6 क्या है, 6 है एट द रेट की पोजीशंस कि कुमार एट द रेट iptindia.com में एट द रेट कितने नंबर करेक्टर पर है। अब यहाँ से मैं 5 को लिया और 6 लेके मैंने -1 कर दिया। अब -1 क्योंकि मुझे एट द रेट से पहले चाहिए, अगर 6 ले लूँगा तो एट द रेट भी दे देगा, मुझे एट द रेट नहीं चाहिए। अब यहाँ हम राइट का फॉर्मूला लगाएंगे और राइट के फॉर्मूले में हम इसको सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि इसकी जो कम्प्लीट लेंथ है, इसकी जो कम्प्लीट लेंथ है उसमें से 6 माइनस कर दो। मतलब कुमार से लेके जो M तक की जो दूरी है उसमें से 6 माइनस करोगे तो I से M तक की दूरी बचेगी और वो आपको निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे कुछ भी नेम होगा, इसमें लिख दिया सुजीत कुमार iptindia@gmail.com। तो ये ऑटोमेटिकली एट द रेट से पहले और एट द रेट के बाद को अलग कर देगा। तो गरिमा जी आपको इस चीज समझ में आ गया, ये वाला स्टेप आप दोबारा बता दो मुझे प्लीज। आपने राइट का फॉर्मूला लगाया उसके बाद राइट, सिंपल सी बात समझिए, राइट फॉर्मूला क्या करता है, राइट फॉर्मूले में यहाँ नंबर ऑफ करेक्टर जितना देंगे उतना राइट से अलग करता है, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे राइट का करेक्टर पता नहीं है, मुझे इतना पता है कि लेफ्ट से एट द रेट तक जो है 16 है। अब 16 के बाद कितने करेक्टर है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि पूरी करेक्टर निकाल देता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए कि आपको दिल्ली से पटना से दिल्ली की दूरी पता नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, पटना से दिल्ली की दूरी पता नहीं, पता है आपको कि पटना से दिल्ली जो है वो मान लीजिए 1500 किलोमीटर है और पटना से कानपुर की जो दूरी है वो मान लीजिए आपको 700 किलोमीटर है। बट आपको पटना से कानपुर से दिल्ली की दूरी निकालनी थी, क्या करेंगे आप, माइनस ही करेंगे ना, क्या कानपुर से दिल्ली की दूरी पता चल गई मुझे कि 800 किलोमीटर है। सेम उसी तरह से यहां भी हुआ है कि हमें ये नहीं पता कि एट द रेट के बाद कितना करेक्टर है। हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, पहली इन्फॉर्मेशन है कि पूरी कंप्लीट करेक्टर कितना है जो कि लेन फॉर्मूला हमें दे रहा है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि एट द रेट तक कितने करेक्टर है जो कि हमें फाइन ने रिटर्न किया। तो लेन में से हमने फाइन को माइनस कर दिया और रिजल्ट आपके सामने आ गया। आगे इसको C23 में आपने फाइन का फॉर्मूला लगाया है ना, जी हाँ जी, यहाँ फाइन का फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, हाँ जी ठीक है अभी क्लियर है, चलिए आगे बढ़े।